दोस्तों मेरे हाथ में आप जो ये चीज़ देख रहे हैं ये है वर्मी कंपोस्ट जो डार्क ब्राउन कलर की है और चाय के दाने की जैसी ही भुरभुरी है और यही असली वर्मी कंपोस्ट की पहचान होती है। नॉर्मली वर्मी कंपोस्ट को बड़े बड़े फार्म में बनाया जाता है बट मैं इस छोटे से बैग में ही बना रहा हूँ और आप भी बना सकते हैं। जी हाँ, आप अपने घर पर ही वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं और यही इस वीडियो का मेन पॉइंट है। कुछ टॉपिक की हेल्प से इस वीडियो को शुरू करूंगा ताकि आपको कंप्लीट डिटेल मिल सके। पहले हम ये जानेंगे कि वर्मी कंपोस्ट क्या है और वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है। घर पर वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत रहेगी और वो चीज़ें आपको कहाँ से मिलेगी ये भी जानेंगे। फिर हम एक लाइव वर्मी कंपोस्ट का बीन तैयार करेंगे और आखिर में कुछ गोल्डन वर्ड्स, जी हाँ कुछ सुनहरे शब्द जिनको फॉलो करने से आप वर्मी कंपोस्टिंग में 100% सक्सेस होंगे। दोस्तों कंपोस्ट काफ़ी टाइप की होती है, लाइक काउडंग कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट, लीप कंपोस्ट और उन्हीं में से एक है वर्मी कंपोस्ट। ऐसी कंपोस्ट जिनको अर्थवर्म की हेल्प से बनाया जाता है उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। अर्थवर्म्स ऑर्गेनिक मटेरियल को खाता है और वेस्ट के रूप में वर्मी कंपोस्ट को निकालता है। तो अर्थवर्म की हेल्प से जो हम कंपोस्ट तैयार करते हैं इसी प्रोसेस को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। नॉर्मली हम देखते हैं कि बड़े बड़े खेतों में वर्मी कंपोस्टिंग की बड़ी यूनिट लगी हुई होती है जिनमें काफ़ी बड़े बड़े बेड्स लगे हुए होते हैं, लेकिन यहाँ हम घर पर ही एक छोटे से बैग में वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे। तो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए हमें चार मुख्य चीज़ों की ज़रूरत रहेगी, जिसमें पहला है ग्रो बैग या किसी टाइप का पॉट जिसकी हाइट 1 से 2 फुट की होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है गाय या भैंस का गोबर। तीसरी चीज़ है कुछ सूखी पत्तियां और आखिर में है अर्थवर्म्स, जी हाँ कैचुए, जो आप मेरे हाथ में देख सकते हैं ये कैचुआ है। बाकी सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएगी बट इसके लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अपने आसपास के किसी वर्मी कंपोस्टिंग की यूनिट से आप इसको ले सकते हैं। कहीं कहीं पे गवर्नमेंट भी वर्मी कंपोस्टिंग के लिए अर्थवर्म्स प्रोवाइड करती है। एक और अच्छा तरीका ये भी है कि अगर आपको कहीं से फ्रेश वर्मी कंपोस्ट मिल जाता है तो उस वर्मी कंपोस्ट को आप वर्मी बेड पे डाल दीजिए तो 20 से 25 दिनों में छोटे छोटे अर्थवर्म्स आपको खूब सारे दिख जाएंगे जो आपकी वर्मी कंपोस्टिंग में काफ़ी अच्छे से हेल्प करेंगे। जैसे जैसे अर्थवर्म्स की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे ही आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इसके लिए चलिए पहले देखते हैं अर्थवर्म्स के लाइफ साइकिल के बारे में। 2 मैच्योर अर्थवर्म्स की मेटिंग से कोकून तैयार होता है और एक कोकून से 4 से 10 नए अर्थवर्म्स बनते हैं, मतलब बेबी अर्थवर्म्स बनते हैं। और ये बेबी अर्थवर्म्स को मैच्योर होने में करीब 1.5 से 2 महीना लग जाता है। एक मैच्योर अर्थवर्म्स 1 महीने में करीब 2 से 5 कोकून पैदा कर लेता है। आप मेरे हाथ में जो देख रहे हैं ये कोकून है और इन्हीं में से छोटे छोटे अर्थवर्म्स के, बेबी अर्थवर्म्स के बच्चे निकलनेंगे। अर्थवर्म्स जनरली जो है वो बेड के ऊपर ही, ऊपर के भाग में ही कोकून पैदा करते हैं और जब कोकून को फेवरेबल वेदर कंडीशन मिल जाती है तो इनसे हैचेस निकलते हैं, डैट मीन्स बेबी अर्थवर्म निकलते हैं। अर्थवर्म को जितना अच्छा मौसम मिलेगा वो उतने ही ज़्यादा मात्रा में कोकून पैदा करेंगे। अच्छा टेम्परेचर और मॉइस्चर मिलने पे इनका परफॉर्मेंस सबसे शानदार रहता है। तो चलिए हम एक बेड तैयार करते हैं, लाइव बेड, जिसमें हम सारा मटेरियल लेंगे और साथ में जो है वो अर्थवर्म्स भी लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं गाय का गोबर ले रहा हूँ। ये गोबर जो है वो कम से कम 10 से 15 दिन पुराना होना चाहिए, ताज़ा बिल्कुल भी नहीं लेना है ताकि इनमें से हीट जो है वो निकल जाए। साथ में मैंने इस गोबर को मॉइस्ट करके रखा है। 10 से 15 दिन तक गोबर को रखने से इसमें किसी भी टाइप की स्मेल भी नहीं रहती है।
तो यहाँ मैं एक ग्रो बैग ले रहा हूँ, इसी को बेड के रूप में बना रहा हूँ। आप कोई भी ऐसा ले सकते हैं जिसकी हाइट 1 से 2 फुट के आसपास हो। ज़्यादा लंबा नहीं लेना है क्योंकि अर्थवर्म जो है बहुत ज़्यादा ट्रेवल बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इसमें ड्रेनेज हॉल भी बने हुए हैं ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल सके। बेड के रूप में सबसे पहले सूखी पत्तियाँ डालनी है। आप अपने आसपास के किसी भी प्लांट की जो है वो सूखी पत्तियाँ काम में ले सकते हैं। वैसे बड़े बड़े फार्म में गेहूँ या चावल की भूसी जो है वो काम में ली जाती है। सूखी पत्तियों का टेम्परेचर कंपेरेटिवली कम रहता है, तो जब भी ज़्यादा हीट होगी तब अर्थवर्म्स यहाँ आकर जो है रेस्ट कर सकता है। सो ये रेस्ट का एरिया रहेगा अर्थवर्म्स के लिए। दोस्तों, ऑल ओवर जितना अच्छा लिविंग एनवायरनमेंट रहेगा तभी अर्थवर्म्स ज़्यादा एक्टिव रहेंगे और पॉपुलेशन भी ज़्यादा करेंगे और हमारा वर्मी कंपोस्ट जो है वो जल्दी तैयार हो जाएगा। अगर ड्राई मटेरियल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जो काम का नहीं है तो डेफिनेटली उसको आपको रिमूव कर देना है। तो अब सूखी पत्तियों के एक लेयर के बाद में गाय का गोबर डालना है और आप देख रहे हैं ये एकदम ठंडा गोबर है जो मॉइस्ट एनवायरनमेंट में है। तो पहले मैंने 2 से 3 इंच सूखी पत्तियाँ ली, उसके बाद में 4 से 5 इंच की गोबर का लेयर डालना है। इस गोबर के लेयर को डालने के बाद में वापस 2 से 3 इंच सूखी पत्तियों का लेयर बनाना है और इस लेयर के बाद में वापस फिर से जो है वो गाय का गोबर डालना है। तो ऑल ओवर आप समझ गए होंगे कि हमें बेड कैसे तैयार करना है। ये जो सूखी पत्तियां और गोबर का जो लेयर है वो 3 से 5-7 जो है वो आप लेयर बना सकते हैं। यहाँ पे सूखी पत्तियां अर्थवर्म के रेस्ट के लिए काम आएगी और गाय का जो गोबर है वो अर्थवर्म के फूड का काम करेगा। अगर मॉइस्चर कम है तो आप जो है वो मॉइस्चर लेवल बनाने के लिए इसमें पानी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटे से बैग में अलग से जो है वो कुछ अर्थवर्म्स रखे हैं ताकि नया बेड तैयार कर सकूं। तो इन अर्थवर्म्स को जो है वो बेड के ऊपर जो है वो डाल देना है। बेड के ऊपर इस मटेरियल को अर्थवर्म को डालने के बाद आप देखेंगे कि ये अर्थवर्म जो है वो काफ़ी जल्दी जो है वो बेड के अंदर चले जाएंगे क्योंकि इनको रोशनी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। उसके बाद में बेड को मैंने कवर कर लिया है और कवर इस तरीके से करा है ताकि अर्थवर्म को हवा मिल सके और बेड के अंदर डार्कनेस भी बनी रहे। तो दोस्तों, ये अपडेट जो है 30 दिन के बाद का है। दैट मीन्स 1 महीने पहले मैंने इस बेड में जो है वो अर्थवर्म्स डाले थे। कंपोस्ट का कलर डार्क ब्राउन हो चुका है और चाय की पत्ती की जैसे दानेदार भी, बट अभी इसमें मॉइस्चर लेवल काफ़ी ज़्यादा है सो अभी दानेदार आपको ये बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। और इसमें किसी भी टाइप की बुरी स्मेल नहीं आ रही है। पहली बारिश के बाद में जैसी सुगंध आती है वैसी इसमें से आ रही है। अभी इसमें मॉइस्चर लेवल करीब 80-90% तक बना हुआ है। तो चलिए अब हम इसमें देखते हैं कि अर्थवर्म्स की कैसी कंडीशन है। दैट मीन्स वो ऊपर तो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं,
बट नीचे के पार्ट में देखिए ये खूब सारे अर्थवर्म्स जो है वो एक्टिव हालत में हैं और खाने पीने में बिजी है। दोस्तों अगर ठीक से देखा जाए तो ये प्लांट के लिए ब्लैक गोल्ड है और ये अर्थवर्म जिसे हम केचुए भी कहते हैं हमारी धरती के लिए काफ़ी काम के होते हैं। ये भूमि की उर्वरा शक्ति तो बढ़ाते हैं ही, साथ में खेत की जुताई भी कर लेते हैं। तो आखिर में हम कुछ गोल्डन वर्ड्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम टेम्परेचर की बात करेंगे। 20 से 28 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बेस्ट रहता है। बेड के अंदर 70-80% तक का मॉइस्चर बना रहना चाहिए। मॉइस्चर कम होने पर अर्थवर्म्स को मूवमेंट करने में तकलीफ होती है और अगर मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है तो इनको सांस लेने में तकलीफ होती है क्योंकि ये स्किन से ही सांस लेते हैं। बेड को हवादार छाया वाली जगह में रखना है। तो अब बात करते हैं कि इस अर्थवर्म को आप क्या क्या खिला सकते हैं। सबसे ज़्यादा तो आपको पता ही है कि गाय या भैंस का गोबर वो हम यूज़ कर ही रहे हैं। इसके अलावा फ्रूट्स और वेजिटेबल के वेस्टेज को भी डाल सकते हैं। ये वेस्ट मटेरियल जो है वो बेड में 2-3 इंच अंदर की ओर डालना है ताकि मक्खियों की समस्या बिल्कुल भी ना हो। खट्टे पदार्थ जो है इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है और किसी भी प्रकार का पका हुआ खाना भी बिल्कुल भी नहीं डालना है। किचन वेस्ट डालने से बेड में हीट बढ़ती है, सो सर्दियों में किचन वेस्ट डालना काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। गर्मियों में किचन वेस्ट को जो है लिमिटेड मात्रा में देना है। वाटरमेलन, मस्कमेलन जैसी चीज़ें जिनमें पानी काफ़ी ज़्यादा होता है आप आराम से डाल सकते हैं। स्क्रीन पर आपको एक लिस्ट दिखाई दे रही है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप कंपोस्ट बिन में क्या क्या डाल सकते हैं। एक और स्पेशल बात जो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप बेड में हाथ डालें तो उसके बाद में साबुन से अपने हाथों को अच्छे से धोना ज़रूर है। सप्ताह में एक बार बेड को अच्छे से उलट पुलट कर लेना है ताकि हवा बनी रहे, एरेशन अच्छे से बना रहे। अगर पॉसिबल हो तो हैंड ग्लोव्स का यूज़ भी ज़रूर करें। जल्दी ही एक डिटेल्ड वीडियो किचन वेस्ट डिकम्पोजर पे भी लाने वाला हूँ, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। आपके विचार और सुझावों का हमेशा स्वागत रहेगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन अच्छा रहे। हैप्पी गार्डनिंग।